नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के ऊपर दोस्तों, जहां पे दो बड़े न्यूज आए हैं दोस्तों। एक तो न्यूज दोस्तों आप सबको पता है कि अनिल अंबानी जी है जो मुकेश अंबानी के भाई है दोस्तों, जो चेयरमैन थे उनके और उन्होंने अब रिजाइन कर लिया है, उसकी वजह से प्रेशर आया। दूसरा भी एक बड़ा न्यूज है दोस्तों जिसकी वजह से रिलायंस इंफ्रा के स्टॉक के ऊपर प्रेशर आ रहा है दोस्तों। तो अब हमें क्या करना चाहिए इस स्टॉक के ऊपर दोस्तों? स्टार्ट पे जो है एक ऐसे लेवल के ऊपर आपके खड़ा हुआ है जहां पे दोस्तों अगर इस लेवल को क्रैक किया तो फिर दोस्तों जबरदस्त दोस्तों खराबी हो सकती है स्टॉक में। लेवल क्या है उसके ऊपर बात करें उससे पहले दोस्तों, अदानी पावर का कल हमने डिस्कस किया था दोस्तों, बोला था बड़ा धमाका होने की संभावना है। और दोस्तों L&T फाइनेंस दोस्तों लास्ट वीक में भी बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया दोस्तों, 63 से रेकमेंड कर रहा हूं। और दोस्तों आज भी अदानी पावर देखिए दोस्तों 4% से भी ज़्यादा की तेज़ी यहां पे बनी हुई है और L&T फाइनेंस दोस्तों 1.02 पे चल रहा है दोस्तों। दोनों स्टॉक दोस्तों बहुत ही बढ़िया मोमेंटम देने की संभावनाएं रख रहे हैं ये वीक के अंदर दोस्तों। अब बात करते हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के ऊपर, जहां पे दोस्तों 102.00 का प्राइस है, -7.22 का दोस्तों डाउन साइड है और -6.82% के दोस्तों डाउन साइड है दोस्तों। इसके पीछे का रीजन दोस्तों बहुत ही बड़ा है जो आ रहा है वो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का दोस्तों। आज का अगर देखें तो दोस्तों वॉल्यूम जो है क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है 43,45,000 की और डिलीवरी क्वांटिटी है 22.76। अभी मार्केट चल रहा है तो 52.39% का डिलीवरी परसेंटेज है दोस्तों। अब अनिल अंबानी जी ने रिजाइन कर लिया उसकी वजह से दोस्तों, बट ऑब्वियस है रिलायंस इंफ्रा रिलायंस पावर सबके ऊपर दोस्तों प्रेशर आएगा, क्योंकि बहुत सालों से वो एज अ डायरेक्टर थे, अब उन्होंने स्टेप डाउन किया हुआ है। और दूसरा जो दोस्तों न्यूज़ है वो रिलायंस इंफ्रा जो है हैज अनाउंस दैट एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7 ऑफ इनवॉल्वेंसी एंड बैंक करप्शन कोड 2016 हैज बीन फिल्ड बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर नेमली श्री इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड इन रिलेशन टू एन अमाउंट ऑफ 38.6 करोड़। ये बड़ा अमाउंट नहीं है बट दोस्तों ऐसी प्रोसेस दोस्तों जब होती है तब दोस्तों पैनिक होता है और सेंटिमेंट नेगेटिव होता है। एक तो अनिल अंबानी जी का भी दोस्तों स्टेप डाउन होना और ये न्यूज़ का आना दोनों साथ में था, तो दोस्तों दोनों का प्रेशर आ गया है इस स्टॉक के ऊपर दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए दोस्तों 103 का प्राइस वीकली चार्ट के ऊपर और यहाँ पे 38.2% का रिट्रेसमेंट 96 दोस्तों वीकली चार्ट के ऊपर मैं आपको लेके आ गया हूँ। अब दोस्तों ये जो लेवल है सपोर्ट लेवल है, क्यों सपोर्ट लेवल है आप सबको पता है दोस्तों, यहीं पे हमने आपको बाई करवाया था और फिर हमें बहुत ही बढ़िया एक ही वीक के अंदर मोमेंटम मिला था। और दोस्तों ये मोमेंटम बहुत ही अच्छा मिला था, क्यों? क्योंकि बाय करवाया था इसलिए कि यहाँ पे सपोर्ट लेवल है। क्यों है सपोर्ट लेवल समझ लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा वीकली चार्ट है दोस्तों और वीकली चार्ट के ऊपर जो हमारा लेवल है दोस्तों, यहाँ पे स्विंग लो से स्विंग हाई को कनेक्ट किया हमने और वहाँ पे दोस्तों जो लेवल आ रहा है 38.2% का जो 96 रुपीज़ आ रहा है दोस्तों, 38.62% का रिट्रेसमेंट वो आ रहा है हमारा 96 रुपीज़ का। और जो हमारा वीकली चार्ट के ऊपर लाइन है जहाँ पे 103.80 का लेवल जो है, जहाँ पे कंटिन्यूस स्टॉक ने सपोर्ट लिया है दोस्तों, पहले रेजिस्टेंस था फिर दोस्तों स्टॉक ने सपोर्ट लिया कंटिन्यूसली, उसकी वजह से दोस्तों ये दोनों लेवल को मैंने बोला था इन दोनों के लेवल के बीच में से सपोर्ट लेके वापस जाएगा और लास्ट टाइम गया था। तीसरा रीज़न ये है कि दोस्तों 100 डे का जो मूविंग एवरेज है हमारा, डेली चार्ट के ऊपर हम चले जाते हैं तो आपको क्लियर दिखेगा कि जो हमारा ये लाइन दिख रहा है ग्रीन, जो यहाँ पे 100 डे का मूविंग एवरेज है तो वहीं के आसपास है, और 200 डे का मूविंग एवरेज भी दोस्तों 96 पे आसपास ही आ जाएगा 2 या 3 दिन के अंदर। तो ये बहुत ही तगड़ा दोस्तों सपोर्ट लेवल बन जाएगा हमारे लिए। अब मैं 200 डे की दोस्तों मूवमेंट को निकाल देता हूँ और 100 डे का मूवमेंट जो है जिसको निकाल रहा हूँ। दूसरी चीज़ आपको समझने की चाहिए कि जो वीकली चार्ट के ऊपर दोस्तों जो ट्रेंड बना था स्टॉक में, तो ये जो ट्रेंड था दोस्तों ट्रेंड लाइन में, तो उसको इंटेक किया है कितनी बार दोस्तों, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे दोस्तों नीचे आए। बट आज दोस्तों याद रखना वीक का पहला दिन है, अगर यहाँ पे उसको नहीं तोड़ता है तो फिर दोस्तों बने रहने में ही मजा है। अगर यहाँ पे आप देख लो थोड़ा सा गैप डाउन भी हुआ है, बिल्कुल हुआ है, अगर ये लेवल तोड़ देता है दोस्तों, तो इतनी बार अगर ट्रेंड को सपोर्ट किया था 3 से 4 और ये वीकली ट्रेंड लाइन है दोस्तों, डेली ट्रेंड लाइन ही, अगर इसको तोड़ देता है तो फिर दोस्तों ये 80 का लेवल देखने को अपने को दिखा देगा बहुत ही जल्दी। बट अगर ये सपोर्ट लेवल है तो अगर आपके पास है तो आप अभी होल्ड कर लीजिए दोस्तों, जल्दी मत करिए बेचने की, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल है। अगर ये सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट ले लेता है स्टॉक
तो फिर दोस्तों यहाँ से बाउंस बैक होगा, एक बार कंसोलिडेशन करेगा और उसके बाद बाउंस बैक होने की संभावनाएं हैं। और दोस्तों ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, 100 डे का मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, 200 डे का मूविंग एवरेज 96 पे, 100 रुपीज़ का साइकोलॉजिकल लेवल हमारे पास है और दोस्तों हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट है, इतना सपोर्ट है, अगर उसको भी तोड़े तो दोस्तों निकल जाना है, बाकी दोस्तों इसमें बने रहने में दिक्कत नहीं है। यहाँ पर रिस्क क्या है, तो दोस्तों जो इनसॉल्वेंसी की जो प्रोसेस है उसमें दोस्तों जो थोड़े प्रॉब्लम आते हैं और दोस्तों पूरे ग्रुप के ऊपर प्रेशर है, अनिल अंबानी जी दोस्तों अब तक तो थे, मैनेज कर रहे थे, बट दोस्तों अब तो वो भी निकल गए, यानी कि अब आगे क्या स्टोरी डेवलप होती है उसके ऊपर है। दोस्तों उनके पैसे भी आने वाले थे, उसका ऑर्डर हुआ था, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। तो दोस्तों और सबसे बड़ा कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जहाँ पे दोस्तों रिटेल और पब्लिक के पास ज़्यादा शेयर होल्डिंग है इस स्टॉक में भी, जैसे दोस्तों बाकी स्टॉक में हमने डिस्कस किया था, बट यहाँ पे थोड़ा सा संभल करके रखने की ज़रूरत है, सिर्फ ट्रेडिंग के नज़रिए से रखना है दोस्तों, लंबी अवधि में यहाँ पे सजेशन नहीं है। हाई रिस्क इन्वेस्टर हाई रिवॉर्ड्स के साथ इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ट्रेडिंग के नज़रिए से डाल सकते हैं दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके आप इसमें ट्रेड एंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।